उनका एक स्ट्रैटिकस एनालाइजिंग की कॉम्पिटेटर्स अलाउ एन एंटरप्रेन्योर क्यों क्योंकि एंटरप्रेन्योर को ये फ़ायदा होता है कि इट कैन अवॉइड सरप्राइजेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉम्पिटेटर्स न्यू स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स अगर आप uh, अपने कॉम्पिटेटर्स पे नजर रखेंगे अगर आप ये मुसलसल समझते और जानते रहेंगे कि कॉम्पटेटर्स की मूव्स क्या हैं कॉम्पटेटर क्या कर रहा है यानी सिर्फ आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे निगाह नहीं रखेंगे बल्कि आप कॉम्पटिटर्स की प्रोडक्ट्स कम्पटेटर्स की सर्विसेज और कम्पटेटर्स की मूवमेंट उसकी प्लानिंग उसकी स्ट्रेटजी उसको भी समझेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि कंपटेटर्स की मूव्स को समझ सकें अदरवाइज अगर आप अपने अपने ध्यान में सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं तो हो सकता है कि कंपटेटर कोई ऐसा वर्जन ऐसा वेरिएंट, ऐसा न्यू प्रोडक्ट ले आए जो जिससे आपकी प्रोडक्ट की सेल जो है वो मुतासर हो जाए आपकी एक जो रेगुलर सेल है वो एकदम ड्रॉप हो जाए identify potential new competitors and the threats they pose na sirf existing uh, competitors balki jo budding competitors जिससे आप समझते हैं कि ये uh, future में आपको compete करते हैं या कर सकेंगे उन पे भी आप नजर रखें improve reaction time to competitors action agar aap competitors ko follow kar rahe hain aur aap ye samajhte hain और आप ये जानते हैं कि उनकी नई प्रोडक्ट आ रही है उनका कोई नया वेरिएंट आ रहा है उनका कोई इम्प्रूव्ड वर्जन आ रहा है जिससे आपको आ, या आपकी प्रोडक्ट को प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट कैपिटलाइजेशन में तो आपके पास टाइम होगा कि आप भी अपना नया मॉडल ले आएँ आप भी अपनी प्रोडक्ट अपग्रेड कर लें आप भी कोई फैसिलिटी एड कर लें आप भी कोई सर्विस इम्प्रूव कर लें सो दैट जब कॉम्प्यूटेटर की नई प्रोडक्ट नया वेरिएंट या कोई नई उसमें सर्विस ऐड हो तो आप ऑलरेडी वो आ, दे चुके हूँ या जल्द उसको रिस्पॉन्ड कर सकें दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू एंटिसपेट नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक मूव ठीक है कोई लेट्स से उसने कोई कॉस्ट में कमी कर ली है आ, और लेट्स एक उसका कोई मार्केटिंग प्रोग्राम ऐसा बन रहा है कि अगले तीन महीने में वो कोई आ, प्राइस ऑफ करने जा रहे हैं आ, या कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ टू तो बी गिवन फ्री एज ए सेल्स प्रमोशनल टैक्टिक्स तो जो भी उसकी मूव फ्यूचर है उसको एंटिसपेट करना उसको इन्वेस्टिगेट करना उस पर कंटिन्यूसली वॉच करना वुड ऑलवेज बी हेल्पफुल कैसे किया जाए आर दिस वेज एंड मीन्स टू कीप एन आई ऑन द अरावल्स एंड द कॉम्पिटेटर्स जैसे टू मॉनिटरिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड पब्लिकेशन आपकी मखसूस uh, जो इंडस्ट्री है लेट्स लड़से टेक्सटाइल है तो उस uh, टेक्सटाइल से रिलेटेड uh, जो पब्लिकेशंस आती हैं कोई न्यूज़ लेटर्स आते हैं uh, जैसे एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स है तो उसका न्यूज़ लेटर आता है उसकी कोई पब्लिकेशंस आती हैं तो कीप रीडिंग दोज अपडेट्स कीप रीडिंग दोज न्यूज़ एज टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ गोइंग ऑन इन योर पर्टिकुलर इंडस्ट्री टॉक टू द कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स सबसे बड़ा सोर्स जो है वो कस्टमर्स होते हैं और सप्लायर्स होते हैं कस्टमर आपको बता सकते हैं आपकी कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट के बारे में कि अभी क्या है और उन उन उनका चूंकि सेलर से रबता है तो वो आपको बता सकते हैं कि उनका फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम क्या है सिमिलर इज़ द सप्लायर्स सप्लायर्स आर आल्सो कनेक्टेड जैसे आपसे कनेक्टेड होते हैं आपके कॉम्पिटेटर से भी कनेक्टेड होते हैं बिकॉज उनको भी सप्लाइज दे रहे होते हैं तो अगर आप उनके साथ इस मौजू पर गुफ्तु करें तो उनसे भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग द प्लान एंड द फ्यूचरिस्टिक मूव्स ऑफ योर कॉम्पिटेटर्स देन रेगुलर रिब्रीफिंग एम्प्लॉज इस्पेशली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड परचेजिंग एजेंट्स परचेज इनके साथ इंटरेक्ट करें अपने एम्प्लॉज़ के साथ अपने सेल्स एजेंट्स के साथ तो मार्केट में होने वाली तब्दीलियों से ये भी आपको आगाह करेंगे और आप भी इनको उसके बारे में गाइड करते रह सकते हैं लेकिन जो भी टेक्निक्स आप अपना रहे हैं ये एक एथिकल पैराडाइम के अंदर होगी इसमें कोई अनएथिकल एक्टिविटी नहीं होगी जब आप कंपटीटर को एनालाइज कर रहे हैं और उसके मुताबिक अपनी मूव बना रहे हैं तो उसमें कोई गैर गैरखलाकी तौर पे ऐसी ऐसे ऐसी ऐसे प्रोसीजर आप नहीं अडोप करेंगे जो कि बिज़नेस एथिक्स के खिलाफ हों

उनकी ऑफरिंग्स को समझने का भी मौका मिलता है और अगर उनके हाउस से कोई लिटरेचर uh, सेल से मुतलक निकलता है कोई uh, कोई ब्रोशर्स कोई पोस्टर्स कोई कोई डेटा मे बी इन द शेप ऑफ एनुअल रिपोर्ट तो दैट कैन आल्सो बी अ वेरी यूजफुल सोर्स टू अंडरस्टैंड वेयर योर कॉम्पिटेटर इज मूविंग देन वॉच फॉर एम्प्लॉयमेंट एड्स कॉम कॉम्पिटेटर्स टू गैटर एन आरिया अबाउट देयर प्लान फॉर द फ्यूचर लट्स अगर uh, बाटा ने कोई uh, एड दी है जी के हमें uh, शॉप मैनेजर्स की ज़रूरत है uh, पचास शॉप मैनेजर्स की ज़रूरत है तो इन दिस देर इज देर इज देर इज ए न्यूज़ एंड देर इज़ एन इन्फॉर्मेशन फॉर द सर्विस एंड अदर कॉम्पिटेटर के जो बाटा है वो पचास नई जो अपनी शॉप्स हैं वो बनाने जा रहा है तो इसी तरह जो भी एड आती है एम्प्लॉज के हवाले से रिक्रूटमेंट के हवाले से दैट गिव्स ए मैसेज दैट गिव्स एन अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन के क्या फ्यूचर प्लान है आपके कॉम्पिटिटर के देन कंडक्ट पेटेंट सर्चेस फॉर द फॉर पेरेंट्स कि जो आपके कॉम्पिटिटर है अगर उसने कोई एप्लीकेशन दी है पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फार्मूला कोई डिज़ाइन उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एप्लीकेशन दी है तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन है कि वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और उससे भी आप गाइडेंस लेके अपनी स्ट्रेटजीज़ को अकॉर्डिंगली uh, फॉर्मुलेट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर एक्शन एंड रिस्पॉन्स